सैयद इब्ने ताऊस अलैहिर्रहमान ने रिवायत को नकल किया अपनी दुआओं की किताब में। एक शख्स है जो बखिदमत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम पहुंचा है, और इमाम की बारगाह मुकद्दस में सवाल करता है मौला से, मौला मुझे नमाज जाफर तैयार का तरीका बता दीजिए, नमाज जाफर तैयार का तरीका बता दीजिए। सवाल किससे कर रहा है? इमाम से। इमाम ने जवाब देना, क्या जवाब देना है कि नमाज जाफर तैयार कैसे पढ़ी जाती है। मगर इमाम ने जवाब देने के बजाय एक तवज्जुह की अंदाज में एक तंबीह के तरीके पर आपने इशारत फरमाया, तुम आखिर नमाज रसूल खुदा क्यों नहीं पढ़ते। अजीब जुमला है। इशारत फरमाते हैं, क्या अल्लाह के रसूल ने नमाज जाफर तैयार नहीं पढ़ी थी, और क्या जाफर तैयार ने रसूल खुदा की नमाज नहीं पढ़ी थी? ऐसा कैसे हो सकता है? असलन जाफर तैयार की अपनी कोई नमाज नहीं है, यह नमाज भी अल्लाह के रसूल ने अता की है, तो इसका नाम भी नमाज रसूल खुदा ही है। तो जाफर तैयार को अता की गई तो आपके नाम से मंसूब हो गई। तो क्या नमाज जाफर तैयार जो तुम पूछ रहे हो, क्या इस नमाज को पैगंबर ने न पढ़ा होगा? कैसे मुमकिन है? तो एक बच्चे को मीठा खाने से मना करने से पहले दो दिन खुद मीठा छोड़ दें और फिर तलकीन फरमाएं, वो ऐसी तलकीन किसी नमाज की कैसे कर सकते हैं जो खुद ना पढ़ रहे हो? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मुमकिन है? और हजरत जाफर तैयार का मकाम इतना बुलंद कैसे मुमकिन है कि रसूल खुदा की नमाज उन्होंने ना पढ़ी हो? यानी आठवें इमाम के दौर तक लोग ऐसे थे कि नमाज जाफर तैयार तो जानते थे, नमाज रसूल खुदा नहीं जानते थे। आठवें इमाम के दौर की बात, तो आज तो बारहवें इमाम का दौर है। अगर आज कोई नमाज जाफर तैयार को ढूंढ रहा हो तो उसके लिए यह रिवायत वाकई काबिल तवज्जो है। कभी जिंदगी में, कभी साल में, कभी महीने में, कभी कोई मौका मिले तो नमाज रसूल खुदा पढ़िए। गरचे ये बहुत मशहूर नमाज है, लेकिन इसलिए बयान कर रहा हूं कि शायद इस मजलिस की बरकत से कोई एक मोमिन या मोमिना अपनी पूरी जिंदगी में अब तक अगर ना पढ़ी हो तो कम से कम एक मरतबा रसूल खुदा की नमाज पढ़ ले। उसकी नमाज हम सब की शफात का बाइस बन जाएगी। कोई तरीका हो पैगंबर को याद तलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम फरमाते हैं, जब रावी ने पूछा मौला बताइए, अच्छा वो नमाज कौन सी है, वो नमाज रसूल खुदा कौन सी है? आप फरमाते हैं दो रकत नमाज है, ये नमाज दो रकत है, और दो रकत नमाज में सूरतों की पाबंदी नहीं है। अलहम के बाद कोई एक सूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद हालत कयाम में 15 मरतबा सूरह मुबारक इन्ना अंजलना, हालत रुकू में 15 मरतबा सूरह इन्ना अंजलना, हालत रुकू से उठने के बाद जब खड़े हो जाते तो 15 मरतबा सूरह इन्ना अंजलना, पहले सजदे में 15, पहले सजदे के बाद 15, दूसरे सजदे में 15 और दूसरे सजदे के बाद 15, हर एक मकाम पर 7 मकामात में से 15-15 मरतबा सूरह मुबारक इन्ना अनजलना की तिलावत रकत अव्वल में भी और रकत दोवम में भी। ये दोनों रकत मिलाकर नमाज मुकम्मल हो जाएगी, नमाज का नाम होगा रसूल खुदा की नमाज। वैसे तो मैं हैरान हूं कि क्या जुमला कहूं, मैंने कल भी एक बात कही थी, हर नमाज नमाज रसूल खुदा ही तो है। वो नमाज कहां से लाइए जो रसूल खुदा के अलावा? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर नमाज, लेकिन फिर वही सवाल आता है कि ये बताएं मौलाना इसके पढ़ने से क्या मिलेगा, इसके पढ़ने से मिलेगा क्या? तो आइए
दो जुमले इस्तेमाल की रिवायत में दो बातें इस नमाज की बरकत के तौर पर है। इस नमाज को पढ़ लेने वाला उसके और खुदा के दरमियान, इस नमाज को पढ़ने वाले और खुदा के दरमियान कोई गुनाह बाकी न रहेगा मगर यह कि खुदा ने उसे बख्श न दिया हो। कोई गुनाह खुदा और बंदे के दरमियान बाकी न रहेगा मगर खुदा ने उसे मुआफ कर दिया हो। और जो वो अल्लाह से हाजत तलब कर रहा होगा परवरदिगार इस नमाज की बरकत से उसकी हाजतें पूरी फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। तो अगर इंसान कभी जिंदगी में मौका मिले, कभी इंसान की तवज्जो हो, तो कम से कम नमाज जाफर तैयार तो बहुत पढ़ते हैं, कभी नमाज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लीजिए। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله